बेटे यस्टरडे वी हैड स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी। सो इफ वी वांट टू गाइड द कंज्यूमर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए सिंगल कमोडिटी शुड ही बाय सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम्स टू अवर रेस्क्यू। सो कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम एट द सिचुएशन वेयर दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच ए कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द प्राइस व्हिच ही इज पेइंग फॉर द कमोडिटी। सो यू दैट इज यूटिलिटी गेन शुड बी equal to utility sacrifice, then of course a situation of balance would be there. What is equilibrium? A state of balance. So consumer is said to attain a state of balance when he consumes as many units of the commodity where the marginal utility which he derives is equal to the utility which he is sacrificing. That is MUX should be equal to price. But the problem here is marginal utility is measured in terms of utils. Price is measured in terms of rupees. So how to convert utils into rupees? By dividing marginal utility of a commodity with marginal utility of money, which is worth of a rupee. So, 1 रुपए की वर्थ अगर हमें 1 रुपया 4 यूटिल्स की वर्थ देता है और ये कमोडिटी हमें 12 यूटिल्स की वर्थ देती है, ठीक है, और 1 रुपए में कितनी वर्थ है 4, इसका मतलब ये यूनिट ये कमोडिटी हमें 3 रुपए के बराबर वर्थ ऑफ 3 रुपीज यूटिलिटी देता है। तो ये कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम पे होगा अगर इसका प्राइस 3 रुपीज होगा, ठीक है। दैट इज वी कैन रीअरेंज दिस कंडीशन एज एम यू एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। जब हमने इसको प्राइस से डिवाइड कर दिया यूटिलिटी को, यानी 12 रुपए की यूटिलिटी है, 12 रुपए की यूटिलिटी मुझे इस चौक से मिल रही है, ठीक है, और इसका प्राइस है 4 रुपए, तो इसका मतलब मुझे 1 रुपए से 3 रुपए की वर्थ की यूटिलिटी मिल रही है। 4 रुपए प्राइस है ना इसका, ये मुझे कितनी यूटिलिटी दे रहा है 12, और इसका प्राइस क्या है 4 रुपीज। यानी मैंने शॉपकीपर को 1, 2, 3, 4 रुपए दिए, मुझे कितने की यूटिलिटी मिली, सॉरी 4 रुपए का पेन है, ठीक है, और मुझे इससे यूटिलिटी कितनी मिली 12। इसका मतलब पर रुपी से मुझे 3 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली, सॉरी 4 यूटिल्स, 3, ठीक है, पर रुपी गेव मी यूटिलिटी इक्वल टू 3, 3, 3, 3। मुझे ये चौक से कितनी यूटिलिटी मिल रही है 3 रुपीज के बराबर, ठीक है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या है, वर्थ ऑफ ए रुपी भी क्या है 3 यूटिल्स, ठीक है। सो एम यू एक्स ओवर पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू एम। सेकेंड कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ डी एम यू एप्लीकेबल होना चाहिए कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर, तभी एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, ठीक है। नाउ दीज कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एज वेल एज डायग्राम। So you must have noted it down. So this is your marginal utility schedule. You are consuming commodity X. The price of commodity is 4 rupees. Now all of you would be having your own marginal utility schedule. तो मैंने एक consumer को बोला, बेटे आप X commodity consume कर रहे हो, अपना marginal utility schedule बता दो मेरे को। तो उसने सोचा कि भी पहला पेन मेरे को 8 utils की utility देगा, दूसरा 6, तीसरा 4, पांच, चौथा 2 और पांचवा 0 यूटिलिटी देगा।
मैंने कहा इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो, तो आपने कहा मेरे मेरे लिए एक रुपए की वर्थ एक यूटिलिटी है, यानी जब मैं एक रुपया खर्चता हूं तो उससे मेरे पास एक पेन मिलता है मुझे, और उस पेन से मुझे एक रुपए की यूटिलिटी मिलती है। तो मैं इसको वन से डिवाइड कर दूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वन, तो वन से डिवाइड किया इट रिमेन सेम, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज नाउ कन्वर्टेड इनटू रुपीस, ठीक है ना। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 4 रुपीस। अब मैंने कंज्यूमर को बोला बेटे आप एक पेन खरीद लो, या उसने मुझे बोला कि मैम मैं एक पेन खरीद लेता हूं क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को वर्थ मिल रही है 8 रुपए की और मुझे देने कितने पड़ रहे हैं 4 रुपए। वुड आई टेल हिम टू स्टॉप हिज कंजम्पशन? व्हाई नॉट, ही इज इन बेनिफिट, ही इज एंजॉयिंग सरप्लस। सो व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग सरप्लस यू वुड लाइक टू बाय मोर। ये कंज्यूमर का बिहेवियर है बेटे, जब तक उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी तब तक वो परचेजे करता जाता है ना। हम शॉपिंग सेल की शॉपिंग जब जाते हैं, सेल में चीजें खरीदने जाते हैं, तो हम अपने बजट से ज्यादा खरीद आते हैं, ज्यादा पैसे खर्चाते हैं। क्यों खर्चाते हैं? क्योंकि हमें लग रहा है हमें अपनी मनी की वर्थ मिल रही है, फायदा हो रहा है, तो इस फायदे का और फायदा उठाएं। सो व्हेन यू परचेज सेकेंड यूनिट, मार्जिन लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज, एमयू फॉल्स बट स्टिल इट इज ग्रेटर देन द प्राइस। दैट इज हेयर ऑल्सो दिस स्टूडेंट इज इन बेनिफिट सरप्लस। सो वुड आई गाइड हिम टू स्टॉप? मैं कहूंगी बस 2 पेन लेके घर जाओ, क्यों? ही इज इन सरप्लस, ही वुड लाइक टू बाय मोर। सो व्हेन ही बॉट अनदर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज, एमयू फॉल्स एंड नाउ आफ्टर फॉलिंग इट बिकम्स इक्वल टू प्राइस, प्राइस के बराबर हो गया। अब वुड आई टेल हिम टू स्टॉप? ही सेइंग नो, ठीक है इसकी बात मान लेते हैं। ये कहता है मैंने तो फोर्थ पेन भी लेना है। अगर इसने फोर्थ पेन ले लिया, फोर्थ पेन से यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 2 रुपए के बराबर, और देने कितने पड़ रहे हैं? अब आपको क्या लगता है, खरीदोगे या आपका डिसीजन गलत होगा? गलत होगा, ठीक है। यानी वो 4 पेन्स नहीं खरीदेगा, सेकंड पेन पे बंद नहीं करेगा कंजम्पशन, तो क्या कहां कितने खरीदने चाहिए? 3। 3 पर क्या है? MUX 4, PX 4, यानी कंज्यूमर उतने यूनिट्स खरीदेगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर। गॉट इट? अगर उसके पास है ही 4 रुपीज, हाँ तो यहां पर भी 4 है, यहां तो कम बोलो। ओके, नो हेयर वी आर सेइंग दैट ही इज, ये तो अजम्पशन है ना बेटे। उस केस में वो 4 रुपए वाली चीज खरीदेगा नहीं ना, ठीक है। तो उसमें तो ये, उसमें उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी इनकम से सारी नीड्स, उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसको एक ही पेन खरीदना है, तो वाई वुड ही कम टू मी, ठीक है ना। आप मेरे पास तभी आओगे ना, आपके पास 15-20 रुपए हैं, उसमें से आपने पेन खरीदने हैं, आप मगर आपके पास है ही 4 रुपए, तो आपकी प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व है, एक ही पेन खरीदोगे, वाई वुड यू कम टू मी, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ऑल ऑफ यू विल मेक अ डायग्राम नाउ। ऑन एक्स एक्सिस व्हाट विल वी टेक? ऑन एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, व्हाट विल वी टेक ऑन वाई एक्सिस? मार्जिनल यूटिलिटी। तो फिर प्राइस कहां लेंगे? हमारे पास तो 2 ही एक्सेस हैं, सो बोथ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस कर्व विल बी ड्रॉन ऑन वाई एक्सेस, ठीक है। हेयर वी विल टेक MUX एज वेल एज PX। सो यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले लेबलिंग कर लेनी है, यहां पर X, यहां 0, यहां Y, यहां यूनिट्स ऑफ कमोडिटी,
एमयू एक्स पी एक्स, स्केल क्या लेंगे बताओ, टू का स्केल, टू फोर सिक्स एट. व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्ड फर्स्ट यूनिट ही गॉट एमयू इक्वल्स एट, सेकेंड पे सिक्स, फोर टू जीरो. यहां पे अगर नहीं लिखा जाता यहां पे लिख सकते हैं एमयू कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जो कि यही बताता है जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता जाता है कमोडिटी के, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है. सो ड्रॉ एमयू कर्व ऑल ऑफ यू, वेरी लेस पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास. ओके, देन प्राइस, फर्स्ट पेन लोगे कितने का आएगा, फोर का, सेकंड पेन भी फोर का, थर्ड फोर फोर फोर. बेटे ये ध्यान रखना कि आपका जो कर्व है ना वो एक्सिस से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अगर इन केस कर रहा है तो एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया करो. प्राइस ऑफ एक्स, सी व्हेन वी हैव डेटा विद अस हाउ डू वी कम टू नो दैट द टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, देख के पता चल जाता है ये भी फोर ये भी फोर. कर्व से कैसे पता चलता है दो वैल्यूज आर इक्वल, जहां पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर उनकी वैल्यू इक्वल होती है. सो दिस इज एमयू कर्व, दिस इज प्राइस कर्व, बोथ इंटरसेक्टेड पॉइंट ई, इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हियर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. बट आप मेरे पास आए प्रॉब्लम लेके, मैम कितने पेन लो, मैंने कहा चलो ये ड्रॉ किया, मैंने कहा बेटे यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे है, फिर तेरे हाथ पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा बच्चे के, वो कहेगा अच्छा मैम ने कह दिया यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, मम्मा को जाके बता दिया, मम्मा मैम ने कहा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हो, तो व्हाट इज मम्मी गोइंग टू आस्क, बेटे ये तो मुझे नहीं मालूम पर मुझे बताओ कितने पेन लेने आपने, यस तो पेन यूनिट्स कहाँ मेंशनड है, एक्स एक्सिस पर, तो हम क्या करेंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये कहां पे मीट किया, थ्री यूनिट्स, सो योर आंसर इज यू आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन यू कंज्यूम थ्री यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. इफ यू स्टॉप एट से वन और टू, शुड यू स्टॉप, आप ड्रॉ मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूं, आपने इतना ड्रॉ कर लिया दिस इज सफिशिएंट. अब सिर्फ ये बताना है आपको, क्लैरिटी करनी है, व्हाई नॉट हेयर, व्हाई नॉट हेयर, इफ यू कंज्यूम से फोर, पहले ये करते हैं, इसने कहा था मैम मैंने चार पेन लेने, अगर ये चार पेन लेता है तो इसको प्राइस कितना पे करना पड़ता है, इतना फोर रुपीज, और इसको यूटिलिटी कितनी मिल रही, इतनी. एमयू कर्व से नीचे देखो टू, ठीक है, अगर वैल्यूज नहीं भी है आप डिस्टेंस देखो, प्राइस ग्रेटर देन यूटिलिटी, शुड ही बाय फोर यूनिट्स, तो फोर पे तो कांटा बज गया, क्यों, क्योंकि अगर वो फोर यूनिट्स खरीदेगा तो उसको इतना लॉस सफर करना पड़ेगा जितना मैंने शेड किया है, जितना मैंने शेड किया पोर्शन, वो क्या शो कर रहा है, प्राइस ग्रेटर देन यूटिलिटी, दैट इज ही विल हैव टू सफर लॉस. अब ये कहानी रहेगी दो यूनिट्स वाली, दो पेन ही ले लेते वही सफिशियंट थे, ऐसे ही तीन दिलवा दिए, तो बेटे अगर आप दो पेन लेते तो क्या होता, आपको यूटिलिटी मिल रही है इतनी, प्राइस पे करना है पड़ रहा इतना, अभी भी लेमैन करेगा फिर क्या हुआ, फायदे में ही है, ठीक है, लेकिन हमने दे सोचना है एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर हम यहां तक जाते ठीक है तो हम इतना
और फायदा उठा सकते थे, कितना, जितना मैंने शेड किया उठा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए आगे, हमने तीसरा पेन नहीं खरीदा, तो इसका मतलब हमने ये जो प्रॉफिट ले सकते थे उसको नहीं लिया, छोड़ दिया, फॉरगो कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ये भी नुकसान है, जब किसी चीज जो फायदा हो सकता था, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, मैं लाख रुपए कमा सकती थी, मैंने नहीं कमाया, कल को मैं क्या सोचूंगी, लाख रुपए का नुकसान हो गया, यही सोचूंगी, यस, या मैंने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और मेरे को लाख रुपए अपने से देना पड़ गया, तो भी मैं ये क्या कहूंगी, लाख रुपए का नुकसान हो गया, है ना। जब फायदा नहीं उठाया वो भी नुकसान है, नुकसान हो गया एक्चुअल में वो भी नुकसान है। तो ये नुकसान है लॉस का, ये नुकसान है टू फॉरगो बेनिफिट का। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू इज ग्रेटर देन पीएक्स, यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू इज लेस देन प्राइस, यू आर इन इक्विलिब्रियम व्हेयर एमयू इज इक्वल टू प्राइस। गॉट इट। सो नेक्स्ट केस अब डिस्कस करते हैं बेटे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, अब ये वो प्रॉब्लम है जहां पर कंज्यूमर को अपने लिमिटेड रुपीस दो कमोडिटीज के ऊपर स्पेंड करनी है। अब उसके आगे क्या प्रॉब्लम आई, हाउ मेनी यूनिट्स शुड ही स्पेंड ऑन एक्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑन, कितने रुपए एक्स के ऊपर स्पेंड करे, कितने रुपए वाई के ऊपर स्पेंड करे, सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पहले दिन ही मैंने आपको शायद समझाया था कि आपने पार्टी करी है, पांच फ्रेंड्स हैं, ठीक है, किसी ने दो बर्गर एक कोल्ड ड्रिंक लिया, किसी ने एक पिज्जा दो शेक लिए, ठीक है, और अगर आप इस तरह से अपनी परचेजिंग, अपने एक्सपेंडिचर को स्पेंड करके सेटिस्फाइड हो, तो आप रीअरे, आपका फ्रेंड जितना मर्जी कहे कि एक शेक और ले ले, ये बर्गर कम कर ले, इफ यू फील योर सेटिस्फेक्शन इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड, यू विल नॉट रीअरेंज। यस, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड है, यू हैव नो टेंडेंसी टू मेक चेंज इन योर एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, यू आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब जब आप एक कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आपको लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है, जब दो कमोडिटीज कंज्यूम करोगे तो लॉ ऑफ डीएमयू को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है टू कमोडिटीज तक, तो वो लॉ बन जाता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस वॉज ऑल्सो गिवन बाय गॉसन, दिस इज द सेकेंड लॉ गिवन बाय द लॉसन गॉसन, सो इट इज नोन एज गॉसन्स सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन, गॉसन्स सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट लॉ कौन सा है गॉसन का, लॉ ऑफ डीएमयू, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ ईएमयू, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो वेरी ब्रीफली आई एम टेलिंग यू व्हाट दिस लॉ इज ऑल अबाउट, यू वांट टू स्पेंड योर लिमिटेड इनकम ऑन टू गुड्स, नाउ यू ऑल्सो वॉन्ट दैट योर सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम। सो आंसर टू योर क्वेश्चन कि कितने यूनिट्स एक्स के, कितने यूनिट्स वाई के खरीदें ताकि हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, तो आंसर इज बेटे इतने यूनिट्स एक्स के और वाई के खरीदो कि जो लास्ट रुपी स्पेंट है ऑन बोथ दी कमोडिटीज, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बोथ दी कमोडिटीज शुड गिव यू सेम मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अगर तीन रुपए एक्स के ऊपर खर्चे, दो रुपए वाई के ऊपर खर्चे, तो ये जो लास्ट रुपी स्पेंड किया एक्स के ऊपर
उससे मिलने वाली यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन वाई, दैट इज एम यू एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई। ठीक है, दूसरी बात, ये कंडीशन तब वैलिड है अगर एक्स और वाई सेम प्राइस्ड हैं, ये भी एक रुपए का, ये भी एक रुपए का, या अगर ये दो रुपए का है तो ये भी दो रुपए का है। अगर इनके प्राइसेस डिफरेंट हैं तो दिस कंडीशन एज्यूम्स दिस फॉर्म एम यू एक्स ओवर पी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑन एक्स ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई पी वाई। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बेटे बहुत शरारतें हो रही हैं, कल से मैंने सीट चेंज कर देनी है, आपके आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप डायग्राम्स भी नहीं यहाँ पे बैठ के बना पा रहे हो, स्कूल में आके आपको प्रैक्टिस नहीं हुई, देन इट इज यूजलेस। ठीक है, ये मैंने किसके बारे में बताया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। सो कंज्यूमर व्हेन ही बायज और कंज्यूम्स टू कमोडिटीज, ही इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर दी फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर वन, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू इट्स प्राइस शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू इट्स प्राइस, दैट इज MUX over PX। ये क्या हो गया, रेशो, किसकी रेशो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X टू, जब हम आगे रेशो लिख देते हैं ना तो ओवर वर्ड नहीं यूज करते, कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं रेशो ऑफ X ओवर Y, क्या लिखना है, रेशो ऑफ X टू Y, क्योंकि रेशो वर्ड यूज कर लिया ना। MUX upon PX should be equal to MUY and this should be equal to marginal utility of money. Second condition, same hai, law of DMU is applicable on the behavior of consumer. या लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज ही बायस। जी ठीक है, हरलीन क्या हुआ, द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। सो फॉर दैट लेट अस सपोज, राइट डाउन, सपोज अ कंज्यूमर हैज इनकम ऑफ रुपीज फाइव, income of rupees y 5 which he wants to spend on two commodities x and y, price of x
रुपी वन, प्राइस ऑफ वाई अगेन रुपी वन. फॉलोइंग इज हिज मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल. फॉलोइंग इज हिज मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल. सो यू आर अ कंज्यूमर, आपके पास पांच रुपए हैं, आपने एक्स और वाई के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने. अब आपकी प्रॉब्लम यह है कितने एक्स के ऊपर स्पेंड करो कितने वाई के. उसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आप अपना मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बनाएंगे. पहले एक्स का बना लीजिए फिर वाई का बना लीजिए. दोनों इंडिपेंडेंटली बनाने हैं. मतलब जब एक्स का बनाया तो आपने ये सोचना है कि मैंने पांच के पांच रुपए एक्स के ऊपर ही अगर मैं खर्चता हूं तो व्हाट वुड बी माय मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, सो लेट अस से एक्स है एप्पल, वाई है ऑरेंज. आपने एप्पल्स का मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बनाना है तो आपने सोचा कि जब आपको एप्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं ऑरेंज से, तो आपने कहा अच्छा मैं अगर पहला रुपया खर्चूंगा पहला यूनिट मेरे को 10 के बराबर यूटिलिटी देगा, सेकंड 8, 6, 4, 2, कुछ भी लिख सकते हो आप, 12 लिख लो, 12, 11, 10 लिख लो. मैं सबसे इजीएस्ट वाले आपको दे रही हूं. ठीक है, दिस इज इट. नाउ फॉरगेट इट. सपोजिंग यू जस्ट वॉन्ट टू बाय ऑरेंजेस, यू वॉन्ट टू स्पेंड 5 rupees ऑन वाई कमोडिटी विच इज ऑरेंज. अब आपने कंपेयर किया, आपने कहा मेरे को एप्पल का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, ऑरेंज भी मैं खा लेता हूं लेकिन आई लाइक एप्पल्स बेटर. सो फर्स्ट रुपी ऑफ ऑरेंज आपने सोचा आपको कितनी यूटिलिटी देगा, क्योंकि एप्पल आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, उससे कितनी मिल रही थी, तो सपोज इससे कितनी मिलेगी, कम होती जाएगी. ओके, रेस्ट वी विल डू टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे.